स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और मैं आज आपको दिवाली बाज़ार दिखाने वाला हूँ। ये दिवाली बाज़ार मोती झील स्वरूप नगर में लगा हुआ है। आप जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर आपको तरह तरह की सजाने, घर के सजाने वाली चीज़ें या आपके पसंद की चीज़ें, बच्चों के खेलने की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने शायद अमूमन बाज़ारों में नहीं मिलती हैं, कुछ यूनिक चीज़ें भी मिल जाएंगी यहाँ पर। बाहर से भी, उत्तर प्रदेश के बाहर से, जैसे राजस्थान से मैंने देखा कि यहाँ पर राजस्थान के अचार और बहुत सारी क्राफ्ट की चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही हैं। तो इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों से लेकर के बुज़ुर्गों तक के सभी के ज़रूरत के सामान यहाँ पर मिल जाएंगी। अब दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए बाज़ार सज गए हैं। आप भी जाएं इन बाज़ारों में अपने घर को सजाने के लिए। अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पसंद की चीज़ें हैं, वहाँ जाएं और अपने घर को सजाने के लिए इन चीज़ों को ला सकते हैं। घूमने के हिसाब से भी बहुत अच्छी जगह हैं। अब आप अपना कुछ समय अगर आपके पास है तो वहाँ घूम सकते हैं और कई तरह के खाने और पीने की चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ये दिवाली बाज़ार जो है स्वरूप नगर में 18 तारीख से 22 तारीख तक रहेगा और ये दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहेगा। तो आशा करता हूँ आप इस बाज़ार में जाएंगे और जो भी आपको ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे, आप वहाँ जा कर के ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बाज़ार में क्या है। हाँ भैया, दिखाइए जरा क्या क्या है आपके पास। ये सब्जी बर्बाद करने की मशीन, सब्जी बर्बाद करने की मशीन। ये सलाद काटने के लिए, ठीक है, चॉपिंग के लिए ऐसा काटेगा। ओके, कुछ काट के दिखाएंगे, थोड़ा काट के दिखाइए। काट दिखाइए, काट के। पुलिस का बंद हो जाना सर। अरे नहीं भाई, तो कौन सा आप? पुलिस मारे, सब्जी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये फिंगर है। ओनियन डालना ऐसे, ऐसे बराबर ओनियन। फर्स्ट टाइम आएगा लंबा, अच्छा, सेकंड टाइम चॉप हो जाएगा इस तरह। फिर डालेंगे तो ये चॉप हो जाएगा। हाँ, दाल फ्राई में, तड़के में, ग्रेवी में, मंचूरियन में, सूप में, पाव भाजी में। चलिए बढ़िया भैया। आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर शॉप्स हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। ये देखिए सोफे, सोफ़ा कम बेड हैं ये, इनको आप बेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। Thank you.
कटहल का अचार है, ये करेले का अचार है। करेले का अचार भैया नहीं, मैं रेट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये करेले का अचार है ना। ये क्या है, ये रेड वाला है, ये केरल की मिर्च है। अच्छा, लहसुन का अचार, चलो बढ़िया।